गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई। पटना साहिब गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व 7, 8 और 9 जनवरी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रकाश पर्व में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल और डिप्टी सीएम के साथ कई केंद्रीय मंत्री का पटना साहिब प्रकाश पर्व में आने की संभावना है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और जथेदार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी प्रकाश पर्व में आने के लिए निमंत्रण दिया गया। प्रकाश पर्व में देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं का पटना गुरुद्वारा में आना शुरू हो गया है। बाहर से आ रहे श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारा में ठहरने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। पटना पुलिस प्रशासन की ओर से पटना साहिब गुरुद्वारा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कमेटी की ओर से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए श्रद्धालुओं को दिशा निर्देश दिया जा रहा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब में धर्म रक्षक गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का आगमन दिवस, जो पौष महीने की सप्तमी को, पौषधी सप्तमी को आता है, वो इस बार 7, 8, 9 जनवरी 2022 को बहुत श्रद्धापूर्वक दुनिया भर के सिख समाज के लोग और दूसरे धर्मों के लोग आकर प्रेम सहित हर्षोल्लास से मना रहे हैं, जिसमें भारत के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, उन्होंने भी पहुंचने का वचन किया है। भारत के और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर लोग आएंगे। बिहार के चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी और बिहार के गवर्नर और उप मुख्यमंत्री दोनों, और इस तरह से बहुत गणमान्य व्यक्ति पहुंच रहे हैं। सबसे पहली बात कि प्रकाश पर्व जो हम तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब मनाया जा रहा है, सैनिटाइज का जो है पूरा सुबह शाम सैनिटाइज किया जा रहा है। रूम वगैरह बाहर में भी जितना सैनिटाइज का पूरा प्रबंध है और हैंड वॉश वगैरह भी सब रखा जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि मास्क वगैरह यूज़ किया जाए। जो भी गवर्नमेंट के दिशा निर्देश हैं और सभी श्रद्धालुओं से कहेंगे कि उसका पालन किया जाए, और लोग पालन कर भी रहे हैं और ये जरूरी भी है पालन करना, इससे ताकि कोविड से बचा जा सके। निमंत्रण कौन कौन आने वाले हैं सर, कहाँ कहाँ निमंत्रण? निमंत्रण प्रशासन के सभी पदाधिकारियों को निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, सभी को इनविटेशन दिया गया है।